बर्थडे है भाई बर्थडे है, तेरे भाई का बर्थडे है, पैदल तो शरी अब सब में केक बर्थडे है, सारी हॉट यहाँ पे कैन सारे ठंडे हैं, टेस्ट के लिए पूरे साल आज मेरा बर्थडे है। ये बेसिकली श्रद्धा एक अनप्लग्ड वर्जन करने वाली है बेजुबा के लिए, तो उसके लिए बहुत तैयारी हो रही है और उसमें एक छोटा मोटा सा रैप है, तो शायद उसके लिए प्रैक्टिस हो रही है। फिर एक और गाना है जिसका नाम है रैप, जो ये जो वरुण करने वाले पहली बार, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैंने इनको सुना है। एक्चुअली ये अवार्ड शोज पे भी इन्होंने थोड़ा बहुत मतलब इम्प्रॉम्प्टू ये रैप करते हैं और लाइफ में मस्ती करते हैं। तो इंटरेस्टिंग स्टोरी इज, पहली बार जब मैंने रैप किया था फर्स्ट टाइम, इट वाज विद सचिन एंड जिगर एज वेल। ओह यार, इज इट प्रो नाउ? इट वाज अमेजिंग। वो दूसरे स्टूडियो में था, अब हम लोग एक बेहतर स्टूडियो में आ गए, दिस इज अ मच बेटर स्टूडियो, बट इनके साथ जर्नी शुरू किया था एंड विद देम ओनली आई एम डूइंग माय सेकंड सॉन्ग। बट आई हैव टू से ये स्पेशल इसलिए होने वाला है क्योंकि आई थिंक शी इज सिंगिंग अनप्लग्ड, और आई थिंक दे शुड से व्हाटएवर प्लान फॉर द अनप्लग्ड वर्जन। आई थिंक एक्चुअली बेजुबा फिर से जब हमने बनाया तो आइडिया यही थी कि कुछ नया और अलग करें, विच इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट वर्जन ऑफ बेजुबा। बट जब ये वर्जन आया तो हम पुराने वाले को बहुत मिस कर रहे हैं, तो हमने ऐसा सोचा कि वाई नॉट यू नो हैव दैट काइंड ऑफ अ थिंग विच श्रद्धा, एंड श्रद्धा इज सच अ मार्वलस सिंगर। सो हमने सोचा कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ सचिन जिगर, एंड the fact कि ये लोग they are so excited about making an unplugged version of बेजुबा फिर से, क्योंकि already इतने मतलब क्या 3 million plus views हो गए बेजुबा फिर से के लिए, और बहुत मतलब positive feedback आ रहा है, they've like killed it to another level। सो सवाल है सो हैरान थे तेरे तो नाम पे लगी है काल के ना 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 ना। क्या y'all have killed it, what a song y'all have made, we love it, मतलब addictive है। But we are never going to ask you this again, आप सीखे होंगे। हम लोग कल एक गाना रिलीज कर रहे हैं जिसका नाम है सुन साथिया, और मेरे हिसाब से वो जो लव थीम है पिक्चर का या लव एंथम है वो इस गाने में है। श्रद्धा और मेरे पे पिक्चराइज की गई है और पूरी ग्रुप है उसमें। हम लोग पहली बार लिरिकल हिप हॉप कर रहे हैं, मैं भी पहली बार कर रहा हूँ, ये भी पहली बार कर रहे हैं, और बहुत खूबसूरत गाना है। और एक बात है, जब मैंने पहली बार सुना था ये गाना ऐसे साउंड नहीं होता था, और जब मैंने अभी सुना है बहुत डिफरेंट साउंड होता है, एंड इट्स गॉन टू अनदर लेवल। सो एक्चुअली वी आर वेरी एक्साइटेड फॉर पीपल टू हियर सुन साथिया, एंड आई आल्सो वांट टू से दैट दिस सॉन्ग इज रियली पुल्ड ऑफ सो वेल बाय श्रद्धा। आउटस्टैंडिंग। द वीडियो is going to just drag the audio to the next level. We are waiting that tomorrow. Basically, Sachin Jigar and Varun are being extremely sweet. No. When I heard the song, the first time when I heard Sun Sathya, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे। you were in love with the song. I was totally in love with the song. और मुझे बहुत what do you call it? I felt very 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 privileged कि we got to dance on the song together. I remember this very clearly.
क्योंकि मैंने माकी चुनरी सुनी थी एंड सुन सातिया एंड शी सेड आई लव सुन सातिया एंड इज माय सॉन्ग आई लव इट आई सेड माकी चुनरी भी अच्छी नो 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 सुन सातिया इज टू गुड नो आई सेड माकी चुनरी तो श्रद्धा का आई लव ऑल द सॉन्ग जेन्युइन लव है इस गाने के लिए एंड वो गाने में आप लोगों को देखने मिलेगा एंड आई डोंट नो से मच बिकॉज़ कल वीडियो रिलीज होने वाला है आई थिंक लेट people are going to be the best judge for basically this. You guys should see the video and then tell us what you feel about it